बिहार के लाल को बिहार की सरकार सलाखों के पीछे क्यों दे दिया है? बिहार सरकार एक नाकामयाब सरकार है और नेताओं का झंडा लेने के लिए कोई जाता है ना? वीडियो वायरल होता है कि उसको 500 रुपया मिला है, उसको 200 रुपया मिला है। हम दावे के साथ बोलते हैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, किसी को एक रुपया नहीं मिला, वह खुद आए पैसा मिला है झंडा उठाने का। नहीं, बोलना चाहते हैं कि अभी मनीष कश्यप का रिहाई करो, नहीं तो इससे भी उग्र आंदोलन हम लोग करेंगे। आंदोलन करने के लिए आंदोलन, ये तो जातिवाद को खत्म कर रहा है, क्योंकि मनीष कश्यप आता है स्वर्ण जाति से, मगर वह मुद्दे उठाते हैं तमाम तरह के लोगों का। वह सोचता नहीं है कि अगले वाला किस जाति का है, मगर बिहार में अभी 500 करोड़ लगा के जातिगत जनगणना हो रहा है, मगर वह 500 करोड़ बिहार के विकास के लिए नहीं हो रहा है। बिहार में शिक्षक नहीं है, बिहार में इंजीनियर नहीं है, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है, बिहार के हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, आए दिन वीडियो वायरल होता है। आइए अब लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं उनके बिहार के लाल को बिहार की सरकार ने आखिर क्यों सलाखों के पीछे छोड़ दिया है। कौन बोलेगा ये बताइए, बिहार के लाल को बिहार की सरकार सलाखों के पीछे क्यों दे दिया? बिहार सरकार एक नाकामयाब सरकार है और भ्रष्टाचार सरकार है, इसलिए अपनी गलती को छिपाने के लिए पत्रकारों को टारगेट किया जाता है। और मनीष कश्यप एक सच्चा पत्रकार है और हर गरीब और हर जनता के लिए आवाज उठाने वाला मनीष कश्यप है, जिसको टारगेट करके उसको फंसाया जा रहा है। कौन टारगेट कर रहा है? तेजस्वी यादव जो 9वीं फेल, जिनको क्रिकेट में भी फेल, मंत्रिमंडल में बोलने की ढंग नहीं, वो तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव फंसा दिया, इससे तेजस्वी यादव को क्या फायदा मिलेगा? तेजस्वी यादव अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे हैं, उनको ये नहीं पता कि पत्रकार के अंदर क्या दम होता है, और पत्रकार जब अपने आप पे उतर जाए तो क्या कर सकता है? एक सवाल है, जब नेताओं का झंडा लेने के लिए कोई जाता है ना, वीडियो वायरल होता है कि उसको 500 रुपया मिला है, उसको 200 रुपया मिला है, हम दावे के साथ बोलते हैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, किसी को एक रुपया नहीं मिला, वह खुद आए पैसा मिला है झंडा उठाने का? नहीं, पैसा मिला नहीं, नहीं। अच्छा, जो भीड़ है यहाँ पे, पैसा पैसा मिला है? नहीं। कहाँ आया यहाँ ये बताओ? मनीष कश्यप का रिहाई के लिए। कहाँ आया बाबू ये बताओ? मनीष कश्यप के रिहाई के लिए। कहाँ आया? मनीष कश्यप का रिहाई के लिए। छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं मनीष कश्यप की रिहाई के लिए, शायद ये वीडियो सरकार को शर्मिंदगी महसूस कर दे। हम तो शराब माफिया को नहीं पकड़ सकते हैं, हम बिहार में माफियाओं पे नहीं कब्जा कर पाते, चाहे बालू माफिया हो जाए चाहे शराब माफिया हो जाए, हम इसमें धरपकड़ नहीं पकड़ पाते, मगर मनीष कश्यप है उसको तो पकड़ ही लेंगे, उसको कहीं से भी हम ढूंढ के ले जाएंगे। मगर अभी तक जो IAS IPS फरार है उनको सरकार नहीं खोज पा रही है। आखिर ये जो शराब माफिया का जो सरगना का जो सह देते थे IAS IPS कहाँ है, कौन खोज रहा है, किसके लिए पोस्टर लगा है? मगर पोस्टर लगता है मनीष कश्यप के लिए, घर कुर्की होता है मनीष कश्यप का। अब बताइए, एक बात बताइए आप जी, तेजस्वी यादव जी के जितने मंत्रिमंडल में मंत्री बैठे हुए हैं, क्या उसमें दागी नहीं है? उसमें भी ऐसे ऐसे मंत्री बैठे हैं जिनके ऊपर किडनैप से लेके और रेप से लेके अपहरण, बहुत से ऐसे संगीन मामले हैं जो वो मंत्रिमंडल में हैं, जिनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है, वो मंत्रिमंडल में बैठ के मंत्री बने हुए हैं, उनको उनके ऊपर क्यों नहीं हो रहा? आप उनका मंत्रालय के छोड़िए, तेजस्वी यादव के पीछे खुद CBI और ED पड़ा हुआ है। वो तो पड़ा हुआ है, 25 तारीख को उसका वो भी हो जाएगा जेल। ऐसा थोड़ी है कि मंत्री CBI का जो रेट पड़ा अच्छा उसका कार्रवाई खत्म हो गया, 25 तारीख को कार्रवाई होगा, वो भी जाएगा जेल। क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या होगा मनीष कश्यप का? मनीष कश्यप का क्या होगा, जब मनीष कश्यप के रिहाई के लिए सब लोग हम लोग जमा हुए हैं जी। आप कहाँ से आए हैं? पूर्णिया डी से। की बोलना चाह रहे हैं, मनीष कश्यप को पकड़ लिया है पुलिस, इसको छुड़ाने के लिए चाहते हैं, अगर कुछ हो जाएगा उसको तब क्या कीजिएगा? हम यहाँ से पटना तक जाएंगे उनको रिहाई के लिए, यहाँ से अगर यहाँ हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर यहाँ करने के बाद अगर रिहाई नहीं होता तो हम लोग पटना तक जाकर प्रदर्शन करेंगे। पटना चल जाएंगे? हाँ, एकदम पटना, फिक्स है पटना जाएंगे। सरकार को क्या बोलना चाह रहे हैं? सरकार को यही बोलना चाहते हैं कि अभी मनीष कश्यप का रिहाई करो, नहीं तो इससे भी उग्र आंदोलन हम लोग करेंगे। आंदोलन करने के लिए बिल्कुल आंदोलन करेंगे, फिर से हम लोग। इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि मनीष कश्यप को द्वेष बस सलाखों के पीछे डाला गया है। यहाँ तक लोग बोलते हैं कि तेजस्वी यादव की चाल है जिसके कारण मनीष कश्यप को पे कार्रवाई हुई है। क्या इससे पहले मनीष कश्यप जनता की आवाज़ नहीं थे? क्या इससे पहले मनीष कश्यप आवाज़ नहीं उठाते थे? देखिए शांति चौक पे युवाओं के हाथ में तख्ती है और सभी युवा हैं, बढ़ चढ़ कर युवा हिस्सा ले रहे हैं मनीष कश्यप की रिहाई के लेकर। क्या बोलिएगा मनीष कश्यप के रिहाई के लिए? ये बताइए आप, हाँ। मनीष कश्यप पैसा ना चुका के अपन पैसा एक और खाता रखा है, हाँ। पूरा खाता चेक हो गया है, हाँ।
तेजस्वी यादव का खाता क्यों नहीं चेक हुआ है? हाँ। अब बताइए, तेजस्वी यादव का पूरा घर एक पड़ा है। हाँ। और मनीष कश्यप का पूरा उखाड़ उखाड़ के चल गया है घर, क्यों चल गया है? ऐसे तेजस्वी यादव सरकार है यही न, सरकार हम लोग यही गिराएंगे, सरकार गिरा दीजिएगा, गिरा देंगे सरकार, सरकार गिरा देंगे लोग, सरकार गिरा देंगे लोग, गिरा देंगे 180 दिन में जो बोले थे वो। हाँ, सरकार गिराने के लिए तो गिरा देंगे लोग, उससे पहले गिरा देंगे एकदम गारंटी के साथ। तेजस्वी यादव नहीं रहेंगे सरकार में, नहीं रहेंगे, नहीं 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 बिल्कुल नहीं जी। चलिए अब इस बात को खत्म करते हैं, मगर जिस तरह से हुजूम और भीड़ उमड़ पड़ा है, जो भी है कोई और कुछ बोलना चाह रहा है? चलिए चलिए जी, बोलिए, कुछ बोलना है? बोलेंगे जी, बोलिए। जो प्रधान जो है झुकाया गया है जेल में, उसको निकलना चाहिए, जल्दी निकलना जेल से बाहर, जल्दी निकासी कर दो। जय भारत, जय मां, जय हिंदुस्तान। चलिए चलिए, सब शब्दों के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और जिस तरह से मनीष कश्यप के लिए लगातार लोग खड़े हो रहे हैं, आज 23 तारीख था, बिहार बंद का आह्वान था, और यह हमें हर जगह देखने के लिए मिला है कि बिहार किस तरह से बंद किया गया है। और सबसे बड़ी बात है, यह बंद किसी गुंडे ने नहीं किया है, किसी पार्टी ने नहीं किया है, कोई जबरदस्ती नहीं गया है, यह बंद में सभी लोग स्वेच्छा से आए हैं और शांतिपूर्वक बंद किए हैं। चलिए, इस वीडियो को सभी लोगों तक शेयर करें और सभी लोगों को बताइए, मनीष कश्यप के सपोर्ट में पूरा बिहार आज खड़ा है। मनीष कश्यप जिंदाबाद, मनीष कश्यप जिंदाबाद।